भजनपुरा में बदमाशों ने कर दी कांस्टेबल की पिटाई, सरकारी पिस्टल और 10 कारतूस लेकर फरार, कांस्टेबल की हालत गंभीर, मैक्स पटपड़गंज में दाखिल। विवेक बिहार के पास बनेगा 6 लेन का फ्लाईओवर, डिप्टी सीएम 11 अक्टूबर को करेंगे शिलान्यास, अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार तक का रास्ता होगा सिग्नल फ्री। जीटीवी इनक्लेव्स में 85 साल की बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर चाकू से किया हमला, ज्वेलरी लूटी, आरोपी ने घर में फ्रेंडली एंट्री की थी, महिला का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कांस्टेबल रतनलाल की हत्या का आरोपी अलीगढ़ से हुआ गिरफ्तार, वसीम को अलीगढ़ की एक ताला बनाने वाले कारखाने से गिरफ्तार किया गया है, पिछले 2.5 साल से था फरार। और सुंदर नगरी में हत्या करने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, जय भगवान गोयल परिवार से मुलाकात की उन्होंने, डीसीपी संजय कुमार सेन ने कहा कि इलाके में शांति बनाए रखें, किसी प्रकार की भ्रमित ना करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। अपराधियों में खाकी वर्दी का खौफ कम हो रहा है, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे सामान्य लोगों के साथ साथ पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। भजनपुरा थाना इलाके में ऐसा ही बेखौफ दो बदमाशों ने गश्त कर रहे कांस्टेबल को बेरहमी से पीटने के बाद हेलमेट से वार करके उनका सिर फाड़ दिया, बाद में उनकी सरकारी पिस्टल और 10 कारतूस लेकर फरार हो गए। पीड़ित कांस्टेबल की शिकायत पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कांस्टेबल अशोक कुमार चौधरी भजनपुरा पुलिस थाने में तैनात हैं। वह रविवार देर शाम करीब 7 बजे गश्त करते हुए अपने क्षेत्र के MTNL ग्राउंड में पहुंचे, जहां पर पीछे से की तरफ दीवार के पास दो युवक मोटरसाइकिल खड़ी करके आपस में बातचीत कर रहे थे। कांस्टेबल को युवक संदिग्ध लगे, आवाज लगाने पर दोनों युवक उनके पास पहुंचे और बदसलूकी करने लगे। फिर एक युवक ने कांस्टेबल को पकड़ा और दूसरे ने पीटना शुरू कर दिया, हेलमेट लेकर उनके सिर पर मार दिया, इससे उनका सिर फट गया और खून बहने लगा। उनके जमीन पर गिरते ही दोनों युवक उनकी सरकारी पिस्टल छीनने लगे। कांस्टेबल ने विरोध किया तो युवकों ने उनको और पीटा, बाद में पिस्टल छीन कर फरार हो गए। उनकी सरकारी पिस्टल में 10 कारतूस भी थे। घायल कांस्टेबल को गंभीर चोटें आई हैं, उनका इलाज पटपड़गंज के मैक्स अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पूर्व दिल्ली के अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार तक के मार्ग को सिग्नल फ्री किए जाने के लिए 11 अक्टूबर को शिलान्यास होगा, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। परियोजना पर काम कर रहे PWD का प्रयास है कि शिलान्यास के साथ ही इस परियोजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया जाए। हालांकि पिछले कुछ दिनों से काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। फ्लाईओवर बनाने पर 372 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये 6 लेन का फ्लाईओवर बनेगा। फ्लाईओवर बनने से इस मार्ग की 2 बड़ी लाल बत्तियां हटेंगी, आसपास के इलाके के लोगों को फ्लाईओवर से सीधी कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए 2 अप डाउन रैंप का निर्माण होगा। फ्लाईओवर बनाने के काम का शिलान्यास डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल करेंगे। अगर इस फ्लाईओवर का निर्माण कर लिया जाता है तो फिर आनंद विहार आना जाना आसान हो जाएगा। अभी तक ये 2 चौराहे जनता को काफी परेशान करते रहे हैं और ये काफी देर तक जाम लगा रहता है। यहाँ पर इससे नोएडा, इंदिरापुरम, वैशाली और वसुंधरा के साथ साथ गाजियाबाद जाना भी आसान हो जाएगा और लोगों को जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। 85 साल की बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर चाकू से हमला, ज्वेलरी लूटी। शाहदरा के GTB इनक्लेव इलाके में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला कर लूटपाट करने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने घर में फ्रेंडली एंट्री की थी, क्योंकि वह उनका जानकार था। आरोपी महिला से उनकी पहचान हुई, सोने की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गया। महिला का अस्पताल में इलाज जारी है, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आरोपी की तलाश की जा रही है। पीड़ित जे सुशीला GTB इनक्लेव इलाके में रहती हैं। रविवार शाम वह घर में थी, उसी दौरान उनका एक जानकार उनके घर पर आया। जानकार था इसलिए महिला उसे घर में ले गई, मगर आरोपी घर में आकर महिला से उनकी ज्वेलरी लूटने लगा। पीड़िता ने उसका विरोध किया तो आरोपी ने उन पर
चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद जुलू लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। 3:30 के आसपास हमारी एक साई आंटी रहती थी, सुशीला उनका नाम था, वो साई भक्त थी। तो वहाँ से ऐसा ज्ञात हुआ है कि वहाँ से आई थी वो, और चूँकि सोने के चैन और कड़े वगैरह पहन रही थी जी। तो वहीं से एक ओला उबेर का जो था वो ड्राइवर था, वो पीछा करते हुए आया था। और क्योंकि हम लोग को कुछ पता नहीं चला, अंदर गई, वो अंदर गया और उसने पूरा उनका चैन पूरा खींच के और कड़े वगैरह सब निकाल के कुछ बीमारी से उनको भी तोड़ तार के सामान लेके चला गया। तो जागरण कमेटी के कुछ लोग आए थे, उनको दोबारा शाम को संध्या भजन के लिए ले जाने के लिए, तब उन हम लोगों को पता चला। तब उन लोगों को तब तक अभी नॉर्मल है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टेचेज वगैरह लगे हैं अभी। उत्तर पूर्व दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों में हवलदार रतनलाल की हत्या का आरोपी मोहम्मद वसीम उर्फ बबलू उर्फ सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने वसीम को भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम और ईओडब्ल्यू ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने बताया कि उत्तर पूर्व दिल्ली हिंसा मामले में आरोपित वसीम, जो पिछले 2 साल से फरार था, उसे डीसीपी की टीम ने अलीगढ़ से दबोच लिया है। हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत से जुड़े एक मामले में वह भगोड़ा अपराधी था। इसी साल अप्रैल में हाईकोर्ट ने कहा था कि सैकड़ों दंगाइयों ने बेरहमी से पुलिस के एक दल पर लाठियों, डंडों और बैट से हमला किया था और उसी दौरान हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत हो गई थी। कोर्ट ने इस टिप्पणी को करते हुए कहा था कि घटनास्थल के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया था और फिर उनको तोड़ दिया गया था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने युवक को चाकुओं से गोद कर हत्या करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, जिससे मौत की वजह का पता लग सके। आपको बता दें, 1 अक्टूबर को रात 8 बजे के करीब ही घटना हुई थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में मनीष नाम के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों के नाम आलम, बिलाल और फैजान है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष हत्या मामले में आज जय भगवान गोयल परिवार से मुलाकात की उन्होंने और इलाके में शांति का संदेश दिया है। वहीं डीसीपी संजय कुमार सैन ने कहा कि इलाके में शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार की भ्रमित ना करें। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कल शाम थाना नंदनगरी एरिया के सुंदर नगरी इलाके में मनीष नाम के युवक की 3 लड़कों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि ये अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, ऐसे में कई तरह की हवा बनने लगी और इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी हुई है। ऐसे में मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इसमें कम्युनल एंगल जैसा कुछ नहीं है। आपसी दुश्मनी को लेकर झगड़ा रहा और 1 साल पहले भी मनीष की साइड से जो FIR हुई थी, जिसमें ये साथ में इनका खाते पीते हुए झगड़ा हुआ और उसमें 2 लोग ऑलरेडी जेल में हैं और कल भी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं और दिस केस विल बी इन्वेस्टिगेटेड थोरोली। जो भी भीड़ में शामिल शरारती तत्व गलत मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करेगा, उसे सख्ती से निपटा जाएगा। इलाके के लोगों से ये अपील रहेगी कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। आनंद विहार स्थित डाकघर में डकैती डालने के मामले में 5 साल से फरार बदमाश को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है। इसकी पहचान 34 वर्षीय राशिद के तौर पर हुई है। हालांकि डकैती में शामिल अन्य आरोपियों को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। सीनियर अफसरों के मुताबिक साल 2017 में डाकघर कर्मचारी मुन्ना लाल ने आनंद विहार डाकघर में चोर की शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली की पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दिन रात बाढ़ प्रभावित इलाके यमुना खादर से दिन रात हजारों की तादाद में लोगों को सकुशल बचाने और किनारे लाने वाले दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट के इंचार्ज हरीश को एक पुलिसकर्मी ने बेवजह पीटा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी SI को सस्पेंड कर दिया गया। हरीश के मुताबिक रविवार देर शाम हरीश अपने मित्र के साथ वसुंधरा से दिलशाद गार्डन इलाके में अपने घर की ओर जा रहे थे। दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन पर उनके मित्र सोनू वर्मा को भूख लगी। हरीश ने गाड़ी साइड लगाई और उनका मित्र बर्गर लेने चला गया। तभी सीमापुरी थाने का SI नरेंद्र सिंह आया और गाड़ी हटाने के लिए कहा। हरीश ने 2 मिनट में गाड़ी हटाने को कहा। इस पर SI
नरेंद्र आग बबूला हो गया और गाड़ी के अंदर बैठे हरीश को गिरिवान पकड़कर बाहर खींचने लगा और थप्पड़ की बरसात कर दी। इस पर हरीश ने बाहर आकर पीटने की वजह पूछी तो एसआई ने फिर से थप्पड़ की बरसात कर दी। इस बीच हरीश ने एसआई की मोबाइल से वीडियो भी बना ली जिससे वह थप्पड़ मारता कैद हो गया। घटना के बाद मामले की सूचना हरीश ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने हरीश का मेडिकल कराने के बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपी एसआई नरेंद्र को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए। सर, मैं दीक्षा गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास कहीं रास्ते में से आ रहा था सीमापुरी की तरफ से, तो मैं वहाँ रुका और बर्गर लेने के लिए मैंने इस भाई को भेज दिया। एक बर्गर लिया, भूख लग रही है। मैं वहाँ खड़ा हुआ था, अपनी होंडा इमेज गाड़ी में बैठा हुआ था, ये चले गए थे, तो मैंने इससे कहा एक बर्गर ले आओ। इसने पुलिस वाले एक आए, उन्होंने उस साइड से नोक किया, भाई शीशा नीचे करो, वहाँ जी बोलो सर। कहने लगे गाड़ी लेकर यहाँ क्यों खड़े हो? मगर सर मैं तो एक मिनट के मैं अभी जा रहा हूँ। कहने उसने फिर इतने में जो है ना मेरी ये गिरिवान पकड़ी उस साइड से और जो है ना मेरे को मतलब उस साइड खींचने की कोशिश की। मैं कह रहा हूँ सर मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आके बात करता हूँ। मैं उस साइड से घूम के उस साइड गया और मेरे को ले करके सर इतने थप्पड़ी थप्पड़ बजाए सर, मेरे कान में अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत बुरी तरीके से मारा उस बंदे ने। क्या मैं इसीलिए पीटने के लिए मतलब यहाँ पर आया हुआ इस दिल्ली सरकार में कि मतलब मेरे को लोग पीटे, पुलिस वाले पीटे, किस लिए? मेरी गलती क्या है मुझे ये बताया जाए। दिल्ली नगर निगम त्योहारों के मौसम में मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए विशेष उपाय कर रही है। इसी श्रृंखला में दिल्ली नगर निगम ने रामलीला आयोजन स्थल पर विशेष फॉगिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान दिल्ली नगर निगम ने मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए अपने सभी 12 क्षेत्रों में 148 रामलीला मंचन स्थलों और उनके नजदीक बने 6,428 घरों और स्थानों में फॉगिंग की और डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया की रोकथाम के लिए लार्वा रोधी प्रयास किए गए। दिल्ली नगर निगम द्वारा आईपी एक्सटेंशन, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, कृष्णा नगर, सीबीडी ग्राउंड, गीता कॉलोनी, शहदरा और तमाम रामलीला मैदानों पर फॉगिंग की गई है। दिल्ली नगर निगम ने फॉगिंग के साथ साथ जन जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसके अंतर्गत निगम के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,798 हैंडबिल वितरित किए गए। देखिए, आप जानते ही हैं कि मौसम जब बरसात का हो और उसके बाद जब ऐसा मौसम स्विच होता है कि गर्मी से सर्दी की तरफ हम जाते हैं तो उसमें मच्छरों का प्रजनन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे में दिल्ली नगर निगम ने अभियान छेड़ा है कि हमारे सभी क्षेत्रों में 12 क्षेत्रों में 148 रामलीला मंचन स्थलों पर और उसके आसपास के घरों में फॉगिंग और एंटी लार्वा कराया जाए ताकि हम मच्छरों के प्रजनन को रोक पाएँ। जो राम भक्त, जो श्रद्धालु रामलीला का मंचन देखने आते हैं उनको किसी भी तरह से मच्छरों से होने वाली बीमारियों से रोका जा सके, उनका वो किया जा सके बचाव, इसके लिए हमारे निगम के तरफ से सब जगह फॉगिंग कराई जा रही है। नालियों में, जब खुली नालियों में एंटी लार्वा स्प्रे डाला जा रहा है, बैनर, पोस्टर्स, मेगा माइक के माध्यम से जनसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि किस प्रकार वो अपने घरों में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर मच्छरों के प्रजनन को रोक सकते हैं। हमारे साथ हमारे निगम के अधिकारी भी मौजूद हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं इस समय शाम के 6:30 बजने जा रहे हैं और अभी भी निगम मुस्तैद है अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ताकि हम अपनी जनता को, अपने क्षेत्र के लोगों को मच्छर जनित बीमारियों से बचा सकें। नहीं, हमारा रेगुलरली DVC की विजिट हो रही है घरों में और वहाँ पर चेकिंग कराई जा रही है और एंटी लार्वा स्प्रे कराया जा रहा है, हमारी FW करते हैं और फॉगिंग भी कराई जा रही है रामलीला में और हर रामलीला में और साथ में जगह जगह जहाँ पर हमको ज़्यादा मॉस्किटो ब्रीडिंग मिलती है उसको भी एरिया को डिफाइन करके उसमें भी फॉगिंग कराई है जिससे कि केसेस को रोका जा सके। और अभी फ़िलहाल हमारे इस जोन में बहुत कम केसेस हैं, पूरे ऑल ओवर 12 जोन में सबसे कम केसेस इसी जोन में हैं, जिससे कि काम अच्छा कराया जा रहा है इसीलिए केसेस कम आ रहे हैं। और हमारे को यहाँ की जनता के द्वारा और जनता से और यहाँ पर सारे पदाधिकारी और मैडम का भी हमारे को पूरा साथ मिल रहा है। CBD ग्राउंड में रामलीला जोरों से चल रही है। बुधवार को दशहरा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। रामलीला के आयोजकों का कहना है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, रावण क्रेन से लगाए जा रहे हैं, रावण दहन में प्रशासन के सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। राम भक्त बड़ी संख्या में लीला को देखने के लिए आ रहे हैं, प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। देखिए, दशहरे वाले दिन कल प्रशासन की दृष्टि से पुलिस प्रशासन के माने SHO साहब भी आए थे और उन्होंने कहा भी अपार भक्तों का यहाँ आने की संभावना है, तो इसलिए हम उस योजना के तहत कि ताकि भगत लोग जो है अधिक से अधिक जो है लीला का मंचन देख सकें तो ऐसी व्यवस्था बनाएं, तो हमने उनसे आग्रह किया है कि भी इस प्रकार से व्यवस्था बनाना कि लोगों को जो है चलने में कठिनाई ना हो ताकि वो इस परिसर तक आने में अपने आप को असहाय समझे। तो मेरा उनसे आग्रह था और उन्होंने आग्रह काफ़ी हद तक स्वीकार भी किया है और उनसे ये भी कहा गया था भाई आप बैरियर तो लगा रहे हैं
किंतु हमको जो है कुछ ई रिक्शाओं की अनुमति दे दीजिए ताकि अगर दूर अगर बैरियर लगाएं तो हम ई रिक्शा जो है वहाँ चार पाँच छः जो है बुजुर्ग जो है इस प्रकार से चलने में असहाय उनके लिए जो है आने आने मतलब लीला परिसर में आने की जो है सुविधा हो जाएगी। रही बात पुतले दहन की, जो हम लोगों ने जो पुतले आज रात्रि जो है पुतले जो है खड़े हो जाएंगे, लगभग पुतलों में जो है 99% काम हो गया है और 1% जो थोड़ा बहुत काम रह गया है अधूरा, अभी दोपहर तक पूरा होके जो है शाम को जो है हम पुतले खड़े कर जाएंगे। 80 फुट 70 फुट और 60 फुट जो है हमारे पुतले जो बनाए गए हैं। देखिए दशहरे वाले दिन जहाँ तक हमारे उम्मीद है, जैसे जिस हिसाब से संख्या रामलीला में आ रही है डेली, उस हिसाब से हमें उम्मीद है कि ओवर देन 50,000 से ऊपर 50,000 से ऊपर लोग उसमें उपस्थित होंगे। इसी चीज़ को देखते हुए कल पुलिस प्रशासन के साथ भी बैठक थी, SHO साहब आए थे, उन्होंने कहा भी था कि इतनी पब्लिक को कैसे संभालेंगे, तो उन्होंने कहा था हम बैरिकेटिंग कर देंगे। हमने कहा बैरिकेटिंग आप कीजिए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जितना पास हो सके लीला के उतना पास कीजिए ताकि लोगों को आने में समस्या ना रहे, और गाड़ी पार्किंग हमारे पास है वहाँ पर किसी तरह गाड़ियाँ पार्किंग हो सके। तो SHO साहब ने सुझाव माना है और उन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है, जैसी ठीक ठाक व्यवस्था हो सकती है वो हम करेंगे। दिल्ली में उन ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण PUC प्रमाण पत्र नहीं होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कुछ दिन से इस पहले इसकी घोषणा की थी और ये आगे चल के नियम लागू हो जाएगा। CCN की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने जाकर पूर्व दिल्ली के PUC सेंटर पर जाकर देखा तो सेंटर खाली पड़े हैं, कोई भीड़ नहीं है, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। 25 अक्टूबर से जिनके पास पॉल्यूशन नहीं होगा उनको पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा, ये नियम है अभी लागू हुआ है अभी 2 दिन पहले से ही। वो इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि काम पहले से भी 1 साल की जो 2-व्हीलर है और 4-व्हीलर तो पहले से 1 साल के होते थे, तो वो 1 साल के लिए हो गए हैं। हाँ उस टाइम में तो भीड़ थी लेकिन अभी फिलहाल में तो नहीं है। या तो ये हो सकता है कि किसी अभी ये खबर जो है ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, ये भी हो सकता है कि इसलिए नहीं आ रहे। दूसरी वजह कि पॉल्यूशन पहले ही 1 साल के बन चुके हैं तो उनका अभी काम मतलब पॉल्यूशन ख़त्म भी नहीं हुआ है। नहीं दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये रूल पहले भी हुआ था, बीच में रुक गया था और फिर कंटिन्यू हो गया था। जिनके पास पॉल्यूशन नहीं होगा उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा जी। यही था। हाँ अंडरस्टूड है, वो तो जब लोगों को मस्त लगेगा कि पॉल्यूशन के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो पहले पॉल्यूशन कराएंगे। ये तो जाहिर सी बात है कि पहले लोग कम कराते थे अब ज़्यादा कराते हैं क्योंकि फ्यूल उसके बगैर मिलेगा ही नहीं, ये तो कंपलसरी है, तो उसके लिए पहले पोल्यूशन कराना पड़ेगा ही, उसके बाद पेट्रोल मिलेगा। नहीं पोल्यूशन होना चाहिए, वजह तो ये लोगों का इग्नोर करना या लेजी होना है बस। पूर्व दिल्ली में कई टर्मिनल से नए रूट बदल दिए गए हैं और कुछ नए रूट्स भी लाए गए हैं, जिसमें शाहदरा टर्मिनल से नए रूट लाए जा रहे हैं जो शाहदरा से इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तक शुरू कर दिया गया है। इसमें तकरीबन 13 फेरी स्टेप जोड़े गए हैं और इस रूट के लिए 5 बसों को अलॉट किया गया, टाइम भी शेड्यूल किया गया है। इंचार्ज का कहना है कि इस रूट पर पहले शाहदरा टर्मिनल से कोई बस नहीं थी, अब इस नए रूट से लोगों का काफ़ी मतलब हेल्प मिलेगी, सहूलियत होगी। वहीं यात्रियों का कहना है कि रूट लाए गए हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन बसों की सर्विस भी बढ़ानी चाहिए क्योंकि बसों की कमी काफ़ी रहती है। 354 रूट चालू करा यहाँ से, ये इसका वाया है शाहदरा से सरवनसरीमा, जगतपुरी, सगरपुर, रेनीवेल, ITO, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, पुलिस स्टेशन पहाड़गंज, देशबंधु गुप्ता मार्केट, सरा रोहला स्टेशन, बी ब्लॉक, शास्त्री नगर, और ये इंद्रलोक तक जाएगी 13 फेरी स्टेज। वैसे स्टैंड तो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा है, जैसे यहाँ से श्यामलाल कॉलेज होगा, अरे बिहारी कॉलोनी होगा, बिहारी कॉलोनी, लेकिन जो हमारे पास होते फेरी स्टेज होती है। ये सर्विस इसकी 40-42 मिनट की लगभग है। एक पहली बस है 6:02 की, दूसरी है 6:46 और तीसरी 7:30, 8:14, 8:58, 9:52, 10:26 और 11:10, 11:54। हाँ जी हाँ जी। नहीं पहले नहीं मिलते थे, पहले उसके लिए आगे जाना पड़ता था। अब नया रूट यहाँ से स्टार्ट हुआ है 354 का, वो आपको नई दिल्ली इंद्रलोक की साइड आपको लेके जाएगा। बट अच्छा है, अगर फैसिलिटी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है तो अच्छा है, पब्लिक को थोड़ी आराम रहेगा। पहले ऐसा कुछ था वहाँ पे या नहीं था? पहले आगे यहाँ से नहीं था, आगे से मिलती थी बट यहाँ से नहीं था, यहाँ से अभी नया स्टार्ट हुआ है। हाँ कनेक्टिविटी सही है बस, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जाम बहुत है, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। और साइड में तो जाओ तो काफ़ी जाम मिलता है, इंद्रलोक की साइड जाओ तो काफ़ी जाम मिलता है।
यहाँ की ऐसी है जी, बेकार है, बेकार है। क्या दिक्कत होती है? वो सर्विस ही नहीं है जी ढंग से, कोई टाइम ही नहीं है, टाइम टेबल बसें खड़ी हैं, कभी जाएंगी कभी पता नहीं, बताते नहीं ढंग से। सर्विस ज़्यादा होना चाहिए, है ही नहीं सर्विस जी, खड़े रहते हैं सवारियाँ, परेशान हो कितनी सवारियाँ खड़ी हैं जो परेशान हैं इस टाइम पर, अब खड़े हैं परेशान हो रहे हैं आपके सामने। अभी आधे दो बजे के बाद बता रहे हैं, टाइम बता दो, 2 बजे 2:30 बजे कह रहे हैं, पक्का बता नहीं हमें। पूर्व दिल्ली के विवेक विहार पुलिस स्टेशन में बच्चों को थाने की जानकारी साझा की गई। ये सही बच्चे सरकारी स्कूल से आए हुए थे। बच्चों ने बताया कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कहा है कि अगर कोई भी घटना उनके सामने घटी हो तो वह सबसे पहले 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचित करें। इसी के साथ साथ थाने के अंदर की कार्रवाई भी बच्चों को दिखाई गई। बच्चों ने बताया कि सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि कोई भी कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस के रिसेप्शन पर अपनी शिकायत देता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको अलाउट करता है और आगे की कार्रवाई की जाती है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि उनको थाने में रखें, वेपन भी दिखाए गए हैं। बच्चों ने कहा कि आपके सामने कोई जुर्म हो रहा है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत पुलिस इसको सूचित करें। मैंने यहाँ पे इसके देखे जो हम जो हमारे जो ISO जो अंकल थे उन्होंने हमें ये बताया कि जिसके हम लोग थाने में क्या क्या काम करते हैं, आप लोग FIR किस हिसाब से इसकी जो आप इन जो आते हो आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्टमेंट क्या होता है, उसके उन्होंने हमें वेपन रूम दिखाया, फिर उसके उन्होंने बताया कि ये जो कौन कौन से वेपन होते हैं, फिर ये सब दिखाया, फिर उसके हम लोग ऊपर गए तो ऊपर उन्होंने इसकी जी वहाँ पर उन्होंने कैमरा सर्विलेंस देखा जहाँ पर हमारे कैमरा का सबको रिकॉर्ड होता है, वहाँ पर इसकी जो हम लोग रेड लाइट पर जो जो गाड़ी जो क्रॉस करती हैं और फिर उसके बाद जो गाड़ियाँ क्रॉस करते हैं उन सबका जो नंबर होता है लाइन से सीक्वेंस में आते रहता है, जिसके कारण जिसके अगर कोई एक्सीडेंट होता है, फिर कोई गाड़ी वाड़ी चोरी होती है तो उसको देख लिया जाता है उससे, और हमने उसके जो रिपोर्ट वाले हैं जहाँ पर रिपोर्ट सारे के सारे रखे जाते हैं उस सब जगह वहाँ पर इसकी 1972 तक की रिपोर्ट वहाँ पर रखी पड़ी थी और ये सब देखा। फिर वहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पर जो जेल देखा था वहाँ पर जहाँ पर कैदों का रखा जाता है, वैसे अभी वहाँ पर कोई था नहीं, ये सब देखा बस। सर मैंने यहाँ पे कई सारी चीज़ देखी, उन्होंने हमें वेपन्स के बारे में बताया, उनकी डिटेल्स बताई कि कौन कौन से वेपन कैसे कैसे होते हैं, उन्होंने हमें SHO का रूम दिखाया और कई सारे जेल भी दिखाया। फिलहाल वहाँ पे तो कोई था नहीं और यहाँ पे एक सारी डिटेल्स भी दी और यहाँ पे एक वो भी FIR का रूम भी दिखाया जहाँ पे सारी FIR की डिटेल्स दी जाती है। पहले हम गए तो हमें वहाँ पे दिखाया गया जहाँ पे कंप्लेंट लॉज होती है, उसके बाद एज बीइंग अ गर्ल हमें दिखाया गया कि अगर कोई लड़की अपनी बात रखने में कंफर्टेबल ना हो तो कहाँ पे लेडी कॉन्स्टेबल रहती है वो वहाँ पे अपनी बात रख सकती है। फिर हमें वेपन्स रूम दिखाया गया कि कहाँ पे वेपन वगैरह है, और जेल थी दो तरीके की, एक मतलब जो जिन पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो बिल्कुल यहीं पे स्टार्टिंग में थी वो दिखाई गई, और जिन पे 24 आवर्स के लिए जो जेल होती है वो वाली जेल दिखाई गई। उसके बाद हमें मतलब कैमरा रूम दिखाया गया जहाँ पे पूरे एरिया के रिकॉर्डिंग से कि कहाँ पे क्या चल रहा है और कहाँ पे क्या नहीं चल रहा है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सर ने हमें हर चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया, सर ने बताया कैसे कैसे क्या होता है, कैसे FIR दर्ज होती है, किस तरह से लॉकर में रखा जाता है, कैसे उन्होंने गन्स के बारे में बताया, हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।